শপথ গ্রহণের আগে রাজস্থানে মতভেদ কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে। কংগ্রেস কর্মীদের দাবি এই যে বহু প্রবীণরা বাদ পড়েছেন মন্ত্রিত্বের তালিকায়। বিধায়ক হেমারাম চৌধুরী এই বাদের তালিকায় শীর্ষে। তার সমর্থকদের দাবি তাকে মন্ত্রিত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম ভুল। का निवास है यहाँ पे गुड़ामालानी की जनता इकट्ठी हुई है। अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे मैं भारी मतों से इनको विजय प्राप्त हुई और जनता का जो मत था वो हेमाराम जी चौधरी साहब के साथ हर समय हर बार रहा है। 6 बार ये विधायक रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और CLP लीडर प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री के बराबर का ओहदा होता है। हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इस बार गहलोत सरकार में इनका नाम मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, उससे जनता में गुड़ामालानी क्षेत्र के और जोधपुर संभाग के जो भी जनता है जो हेमाराम जी साहब के साथ में है उनमें भारी आक्रोश है। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, कांग्रेस से संबंध रखते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने सब ने अपना इस्तीफा कल शाम को आज सुबह सबके साथ इस्तीफा दे दिया है। हमारी राय यही है जहाँ हेमाराम जी चौधरी साहब जाएंगे हम लोग उनके पीछे साथ। कार्यकर्ताओं में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के रोष था, लेकिन मैंने तो उनसे खूब निवेदन किया, अभी मंत्री का गठन जो होना था वो हो गया, अब उसका विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। खूब समझाया इसकी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और अपने निर्णय पर वाड़ी गए और वो ऊपर तक जयपुर जाकर के अपनी अपना विरोध दर्ज करने के लिए गए। मैं उनको ज़्यादा दबाव तो देने की कोशिश की, लेकिन और ज़्यादा दबाव देकर वो इतना मेरे लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता कि जाके इस्तीफा देंगे, इस तरह की बात सामने आई। ये उनकी अपनी सोच है, मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा कोई हो गया उसके बाद में कोई अपने को किसी प्रकार का विरोध करना या दूसरी बात करना कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने विचार होते हैं, हर आदमी के अपने विचार होते हैं, हर कार्यकर्ता के अपने विचार होते हैं, हर कार्यकर्ता की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, जो जैसी उनकी सोच है, जैसी उनकी समझ है, जैसा उनका विचार है वो कर रहे हैं। अब उनको मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती तो उनको मना नहीं सकता, दबा नहीं सकता। রাজস্থান থেকে লোকেশ ব্যাসের রিপোর্ট, এএনএম নিউজ। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।